Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers in today's lecture, which is about office button. And I hope all the previous lectures have been watched by you. Before moving towards our today's lecture, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. आज के इस लेक्चर में हम ऑफिस बटन के बारे में पढ़ेंगे और ऑफिस बटन में मौजूद तमाम कमांड्स को वन बाय वन देखेंगे। तो चलते हैं ऑफिस बटन की तरफ। ऑफिस बटन में सबसे पहली कमांड जो होती है वो न्यू की कमांड होती है। न्यू की कमांड न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वन है। अगर हम एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ऑफिस बटन में जाकर न्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसका टाइटल डॉक्यूमेंट टू होगा। इसी तरीके से हम अपनी मर्जी से जितने चाहे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो होगा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का वो है शॉर्टकट। अगर हम कंट्रोल प्लस एन को कीबोर्ड से एक साथ प्रेस करें तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है जो कि डॉक्यूमेंट थ्री है। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। थर्ड मेथड जो होगा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का वो क्विक एक्सेस बार से होगा। क्विक एक्सेस बार में आप न्यू के आइकन को फाइंड कर सकते हैं और उसे फाइंड करने के बाद उस पर क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर न्यू का आइकन आपको क्विक एक्सेस बार में नजर नहीं आ रहा है तो आप इस एरो में से जाकर न्यू के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद न्यू का ऑप्शन यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीन तरीके थे वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के। पहला था ऑफिस बटन में से जाकर न्यू पर क्लिक करना। सेकेंड मेथड था शॉर्टकट के जरिए से जो कि कंट्रोल प्लस एन है। और तीसरा तरीका क्विक एक्सेस बार से न्यू के आइकन को क्लिक करना। इन तीन तरीकों से आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं या जो भी तरीका आपको इजी लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अभी आप यहां देख सकते हैं कि इस वक्त फोर डॉक्यूमेंट्स एक्टिव हैं और मैं अभी डॉक्यूमेंट वन में काम करना चाहता हूँ तो मैं इस पर आऊंगा। यहाँ मैं कोई भी काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टाइटल पेज बना रहा हूँ असाइनमेंट के लिए। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ ताकि इसे मैं फ्यूचर में यूज कर सकूं। तो इसे सेव करने के लिए तीन मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड है ऑफिस बटन में से जाकर सेव पे क्लिक करूं। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां मुझसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। पहली चीज पूछी जा रही है फाइल नेम, यानी इस फाइल का मैं क्या नेम रखना चाहता हूँ जिसे मैं सेव करने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज पूछी जा रही है लोकेशन, कि मैं इसे कहाँ सेव करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं इसे सेव नहीं कर रहा, कैंसिल करता हूँ। दूसरा तरीका जो हो सकता है वो है शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से आप इसी डायलॉग बॉक्स पर आ जाएंगे जो कि ऑफिस बटन में जाकर सेव पे क्लिक करने से आए थे। तीसरा तरीका है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में सेव का ऑप्शन फाइंड करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आप इन तरीकों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं जो आपको इजी लगे। सेव करने के लिए आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। पहली चीज है फाइल नेम, यानी आप जिस डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं उसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका नाम टाइटल पेज रखता हूँ। और दूसरी चीज जो पूछी जाएगी कि आपने इसे किस लोकेशन में सेव करना है। अगर मैं चाहता हूँ इसे सी ड्राइव में सेव करूँ तो मैं सी पे क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहता हूं इसे ई ड्राइव में सेव करूं तो मैं ई ड्राइव पर क्लिक करूंगा। अगर मैं इसे एफ ड्राइव में सेव करना चाहता हूं तो मैं एफ ड्राइव पर क्लिक करूंगा। और अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और सेव पर क्लिक करने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट, इस फाइल का जो टाइटल था वो चेंज हो चुका है। ये पहले डॉक्यूमेंट वन था और अभी ये टाइटल पेज बन चुका है। इसका मतलब ये है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को टाइटल पेज के नेम से सेव कर चुका हूँ। अगर आप चाहें ये फाइल कहाँ पड़ी है आप वहां जाकर इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया था तो ये डेस्कटॉप पर हमारी फाइल पड़ी हुई है जो मैंने टाइटल पेज के नाम से सेव की थी। तो एमएस वर्ड की फाइल को सेव करने की तीन मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड था ऑफिस बटन में से जाकर सेव पर क्लिक करना। दूसरा था शॉर्टकट जो कि कंट्रोल एस है।
और तीसरा तरीका क्विक एक्सेस बार से सेव के आइकन पर क्लिक करने से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अब मैं ऑफिस बटन में नेक्स्ट कमांड की तरफ आता हूं जो कि है ओपन। इस लिस्ट में हम न्यू की कमांड और सेव की कमांड को ऑलरेडी देख चुके हैं। दरमियान में मैंने ओपन की कमांड को स्किप कर दिया था, अभी मैं ओपन की कमांड की तरफ आता हूँ। ओपन की कमांड ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करेगी। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सेव्ड फाइल को ओपन करना चाहता हूँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। थोड़ी देर पहले हमने एक फाइल सेव की थी टाइटल पेज के नाम से, हम उसी फाइल को इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ओपन करते हैं। तो उसके लिए तरीका होगा ऑफिस बटन में जाकर ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने लोकेशन देनी है कि आपने जो फाइल ओपन करनी है वो कहाँ पड़ी है। क्योंकि हमने वो फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया था तो हम डेस्कटॉप पे आएंगे और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप में मौजूद तमाम फाइल्स हमें यहाँ सामने नजर आएंगी। यहाँ से मैंने उस फाइल को सर्च करना है। ये है हमारे पास टाइटल पेज जो हमने सेव किया था, तो इसे क्लिक करने के बाद मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल को ओपन कर लिया है जो कि ऑलरेडी सेव थी। तो इस तरीके से आप ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करवा सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि ऑफिस बटन में जाकर आपने ओपन पे क्लिक किया। दूसरा तरीका हो सकता है शॉर्टकट का, कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स के बाद आपने लोकेशन बतानी है कि आपने किस लोकेशन में इस फाइल को सेव किया था। फाइंड करने के बाद फाइल को आप उस पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें। इस तरह आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी सेव्ड फाइल ओपन हो जाएगी। और थर्ड तरीका हमारे पास क्विक एक्सेस बार हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस बार में हमें ओपन का आइकन नजर नहीं आ रहा, तो हम इस एरो में जाकर इससे यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हमारे पास यहाँ ओपन का आइकन आ चुका है, तो हम यहाँ से ओपन पे क्लिक करने के बाद उसी ऑप्शन में आ जाएंगे जहाँ से हमें लोकेशन पूछी जाती है कि आपने कहाँ से इस फाइल को ओपन करवाना है। तो हम डेस्कटॉप में जाकर वही टाइटल पेज को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। इस तरह हमारे पास फाइल ओपन हो जाती है। तो ओपन करने के हमारे पास तीन मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड है ऑफिस बटन में जाकर ओपन पे क्लिक करें। सेकंड मेथड शॉर्टकट जो कि कंट्रोल ओ है। और थर्ड तरीका क्विक एक्सेस बार है। आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस बटन में नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सेव एज। सेव एज हम उस टाइम यूज करते हैं जब आप किसी ऑलरेडी सेव फाइल को दोबारा किसी और नेम के साथ सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फाइल जो टाइटल पेज के नाम से है ऑलरेडी सेव्ड है, हम इसे दोबारा सेव करना चाहते हैं। अगर मैं सिंपल सेव पे क्लिक करूं तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं आता क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है। अगर मैं चाहता हूं कि इस फाइल को किसी और नेम के साथ उसी लोकेशन में या किसी और लोकेशन में दोबारा सेव करूं तो मैं सेव एज का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। सेव एज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपसे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि आपने जो ये फाइल सेव करनी है इसे क्या नाम देना है और इसकी लोकेशन वही डेस्कटॉप ही सेट करता हूँ। लोकेशन सेट करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका टाइटल चेंज हो चुका है। इसका पहला टाइटल था टाइटल पेज, जबकि इसका अभी टाइटल है टाइटल पेज 1। तो हमने इस फाइल को दो नेम के साथ सेव कर लिया है डेस्कटॉप पर। आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, हमारे पास एक फाइल टाइटल पेज है और दूसरी टाइटल पेज 1। इस तरह आप एक फाइल को किसी और नेम के साथ किसी और लोकेशन में सेव कर सकते हैं और इसके लिए आपको सेव एज का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ऑफिस बटन में नेक्स्ट कमांड है प्रिंट की। अभी हम प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस वक्त मैं इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूं जिसका टाइटल है टाइटल पेज 1। और फॉर एग्जांपल ये एक असाइनमेंट मैं तैयार कर रहा हूं जिसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। और इस असाइनमेंट में 4 पेजेस हैं जो कि यहां से देखे जा सकते हैं। पहला पेज है टाइटल पेज का, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप है मेरा इसे प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए मैं ऑफिस बटन में जाऊंगा और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करूंगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये बॉक्स आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है प्रिंट करने का, दूसरा तरीका जो है वो है शॉर्टकट का। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड में एक साथ प्रेस करने के बाद आपके पास वही प्रिंट बॉक्स आ जाएगा।
मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने के बाद मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो इन दो तरीकों में से आप कोई सा एक तरीका चूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप शॉर्टकट यूज करके कंट्रोल पी प्रेस करके इस बॉक्स को अपने सामने ला सकते हैं। प्रिंट का बॉक्स ओपन होने के बाद आपसे कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन है कि आपने जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है आपने वो प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक से ज्यादा प्रिंटर कंप्यूटर में इंस्टॉल है और अटैच है, तो आपने इस सूरत में यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना होगा कि आपने इस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शंस हैं। अगर ऑल पे क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं वो तमाम के तमाम प्रिंट होकर निकल आएंगे। यानी इस टाइम मेरे पास फोर पेजेस हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो ये फोर पेजेस प्रिंट निकल आएंगे। अगर मैं करंट पेज पे क्लिक करूंगा तो करंट पेज यानी यहाँ जो मुझे नजर नंबर आ रहा है उस नंबर का पेज प्रिंट निकलेगा। पेजेस के ऑप्शन में हम पेजेस के ऑप्शंस दे सकते हैं, यानी मैं चाहता हूं कि इन फोर पेजेस में सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पेज प्रिंट निकले, तो मैं फर्स्ट कॉमा थ्री लिखूंगा। इसका मतलब है पेज वन और पेज थ्री को प्रिंट निकाल कर दे। अगर मैं यहां लिखता हूं टू कॉमा फोर, इसका मतलब है पेज टू और पेज फोर प्रिंट निकाले। तो कॉमा का मतलब है कि इंडिविजुअल पेज को प्रिंट निकालना। अगर मैं कॉमा की जगह डैश यूज करूं, फॉर एग्जांपल 1-3, तो इसका मतलब होगा 1 से लेकर 3 तक पेज प्रिंट करे। अगर मैं यहां लिखता हूं 2-4, इसका मतलब होगा 2 से 4 तक प्रिंट निकाले। तो इस तरह हम प्रिंट निकाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर हम चाहते हैं कि तमाम पेजेस प्रिंट निकले तो मैं ऑल पे क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ करंट पेज निकले जो मुझे एक्टिव नजर आ रहा है तो मैं करंट पेज पे क्लिक करूंगा। अगर मैं चाहता हूं मुख्तलिफ पेजेस प्रिंट निकले अपनी मर्जी के मुताबिक तो मैं पेजेस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस इसे दे सकता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि ए के नीचे लाइन है, यहां ई के नीचे लाइन है, यहां जी के नीचे लाइन है, इसी तरह यहाँ टी के नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब ये है कि आप इन तमाम कमांड्स को एज अ शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ इस ऑप्शन में ए के नीचे लाइन है तो मैं Alt प्लस A प्रेस करने के बाद डायरेक्ट इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। Alt E प्रेस करने के बाद करंट पेज का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह Alt G का ऑप्शन प्रेस करने के बाद पेजेस का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जिस अल्फाबेट के नीचे लाइन आपको नजर आ रही हो आप उस लेटर को Alt की कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉपीज का, यानी आप इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ 3 सेट करता हूँ तो इसका मतलब है इन तमाम पेजेस की 3-3 कॉपीज प्रिंट करे। अगर मैं यहाँ पेजेस पे 2-4 देता हूँ तो इसका मतलब है पेज 2 और पेज 4 की 3 कॉपीज को प्रिंट करे। कोलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो पेजेस प्रिंट निकलेंगे वो इस तरतीब से निकलेंगे, यानी तमाम 4 पेजेस पहले कंप्लीट होंगे 1-2-3-4। कंप्लीट होने के बाद दोबारा से ये 1-2-3-4, फिर दोबारा से 1-2-3-4, इस तरतीब में प्रिंट होंगे। अगर मैं ये ऑप्शन डिसेबल करता हूँ तो वो तमाम पेजेस यानी तमाम कॉपीज पहले पेज 1 की निकालेगा, फिर पेज 2 की तमाम कॉपीज निकालेगा और उसके बाद पेज 3 की तमाम कॉपीज को निकालेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट वर्ड। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि आपने जो प्रिंट निकालना है वो क्या निकालना है। क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना है तो हम इस डॉक्यूमेंट को ही रहने देंगे, तो डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें आ रही होंगी, चाहे वो टेबल है, चाहे वो फिगर्स है, चाहे जो भी है, वो तमाम के तमाम को प्रिंट निकालेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज। अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ये तमाम पेजेस 1-4 को प्रिंट निकालेगा। अगर मैं यहाँ से ऑड पेजेस सिलेक्ट करता हूँ तो ये इन पेजेस में से सिर्फ ऑड पेजेस को प्रिंट निकालेगा, यानी फर्स्ट को और थर्ड को प्रिंट निकालेगा। इसी तरह अगर मैं इवन पेजेस करता हूँ तो ये इवन पेजेस को प्रिंट निकालेगा। ओके करने के बाद ये प्रिंट की कमांड प्रिंटर को चली जाएगी और वो प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। ऑफिस बटन की नेक्स्ट कमांड प्रिपेयर है जिसमें मजीद 7 कमांड होती हैं। प्रॉपर्टीज, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्ट परमिशन, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज फाइनल एंड रन कंपैटिबिलिटी चेकर। सबसे पहली कमांड है प्रॉपर्टीज। इस कमांड के जरिए से हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जिसे हमने फिल करना है। फॉर एग्जांपल आप इस डॉक्यूमेंट की एक असाइनमेंट बना रहे हैं जिसका टाइटल है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। कीवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर सिस्टम रख दें,
कैटेगरी कुछ भी रख सकते हैं, स्टेटस कुछ भी रख सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं इस असाइनमेंट के बारे में। इसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। मैं इसे नंबर सिस्टम के नाम से सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। सेव होने के बाद आप इसे क्लोज कर दें। ये फाइल हमारे डेस्कटॉप में नंबर सिस्टम के नाम से सेव हो चुकी है। हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज आकर चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए आपने इस फाइल पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने डिटेल्स में जाना है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी कुछ देर पहले सेट की थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस फाइल का टाइटल ये है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। टैग नंबर सिस्टम है जो कि हमने कीवर्ड सेट किया था, और कमेंट्स हमारे यहाँ लिखे हुए आ रहे होंगे। आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी भी इसमें ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे बाइनरी भी ऐड हो चुका है। अगर हम दोबारा यहाँ से जाकर इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो आप डिटेल में ये देख सकते हैं कि जो हमने अभी कीवर्ड एक और ऐड किया था बाइनरी का, वो यहाँ मौजूद है। अगर हम ये प्रॉपर्टी सेट ना करें तो हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी कैसे नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और फाइल है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। आप यहाँ इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, सारी एम्प्टी है क्योंकि मैंने इसे सेट नहीं किया था। नेक्स्ट कमांड है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। यस करने के बाद आपकी ये चीजें वो इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट में। अगर कोई कॉमेंट्स, रिविजन, वर्जन या कोई एनोशन होगी उनको चेक करेगा, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी डॉक्यूमेंट में उसको चेक करेगा। तो ये फॉलोइंग डाटा को वो इंस्पेक्ट करेगा इस डॉक्यूमेंट में। अगर उसे ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मिलेगी तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद उसने हमें बता दिया कि आपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी सेट की है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले की थी। अगर आप चाहें इसे रिमूव करना चाहें तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव नहीं करना चाहते तो सिंपली इसे क्लोज कर दें। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ मौजूद होंगी क्योंकि हमने इसे रिमूव नहीं किया था। प्रिपेयर का नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप अपनी इस फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहां से आकर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मैं पासवर्ड सेट कर सकता हूं। मैं पासवर्ड रखता हूं 123। 123 रखने के बाद मैं ओके प्रेस करता हूं। वो दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि जो मैंने पहले सेट किया है उसे मैं दोबारा कन्फर्म करूँ। तो मैं 123 दोबारा एंटर करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मेरा इंक्रिप्टेड हो चुका है, प्रोटेक्टेड हो चुका है। अभी हम इसे क्लोज करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं। मैं नंबर सिस्टम फाइल को दोबारा ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है। जब तक आप पासवर्ड इसमें एंटर नहीं करेंगे ये फाइल आपकी नहीं ओपन होगी। तो मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ 123। जैसे ही मैंने करेक्ट पासवर्ड एंटर किया फाइल खुल गई। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड खत्म करना है तो आप वहीं प्रिपेयर में आए और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर दोबारा क्लिक करें। दोबारा क्लिक करने के बाद आपने जो पासवर्ड सेट किया है 123 उसे रिमूव कर दें बैक स्पेस के बटन से। ओके करें। अभी ये आपका डॉक्यूमेंट अनप्रोटेक्टेड हो चुका है, यानी इसमें से पासवर्ड रिमूव हो चुका है। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा भी सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। प्रिपेयर में नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट परमिशन। ये ऑप्शन उस सूरत में यूज होता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेस देना चाहें। हम चाहते हैं कि खास बंदे इसे एडिट कर सकें, इसे कॉपी कर सकें या प्रिंट कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट में एक सिग्नेचर जो कि इनविजिबल होगा, जो कि नजर नहीं आएगा, वो सेट कर देगा। इससे ये होगा कि आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद जो चेंजेस होंगी वो कोई यूजर या कोई पीपल उसमें नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिग्नेचर ऐड करता हूँ इस डॉक्यूमेंट में। आपने जो भी सिग्नेचर सेट करना है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सिग्नेचर सेट किया हुआ है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज में जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है पर्पज ऑफ साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं कोई भी पर्पज लिख सकता हूँ। मैं यहाँ वेरिफिकेशन लिखता हूँ और इसे साइन इन कर देता हूँ। अभी इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर ऐड हो चुका है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पहले बैच आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट आपका सिग्नेचर कंटेन करता है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ। भी आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे, ना इसमें कुछ आप टेक्स्ट ऐड कर पा रहे हैं, ना उसे सेव कर पा रहे हैं, ना कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर्ड है। अगर आपने सिग्नेचर रिमूव करना है तो आपको वहीं जाना होगा प्रिपेयर व्यू सिग्नेचर में।
व्यू सिग्नेचर में आपको यहाँ सिग्नेचर नज़र आ रहा है जो आपने सेट किया था, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद सिग्नेचर डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो सिग्नेचर का बैच नज़र आ रहा था वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। इसे हम सेव करते हैं और क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हम इसमें चेंजेस कर पा रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें सिग्नेचर कंटेन नहीं है। प्रिपेयर में नेक्स्ट कमांड है मार्क एज फाइनल। जब आपको पता हो कि आपने अपना डॉक्यूमेंट कम्प्लीट कर लिया है और उसमें आपने कुछ भी एडिट नहीं करना, कुछ भी एड नहीं करना, न कुछ डिलीट करना है, तो आप इसको मार्क एज फाइनल कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके करने के बाद आप यहां एक साइन देख रहे हैं मार्क एज फाइनल, यानी ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है और इसमें कोई भी एडिट, डिलीट या मजीद कुछ और ऐड करना रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसे क्लोज करते हैं। अभी मैं दोबारा इसे ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर पा रहा और ना ही मैं इसे सेव कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मार्क्ड एज फाइनल हो चुका है। इसे रिमूव करने के लिए मैं दोबारा प्रिपेयर में आऊंगा और मार्क एज फाइनल पे दोबारा क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो बैच जो नीचे नजर आ रहा था मार्क्ड एज फाइनल का वो डिसअपीयर हो जाएगा और मैं इसमें मजीद चेंजेस कर सकता हूँ। ऑफिस बटन की नेक्स्ट कमांड है सेंड की। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट ईमेल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसे ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईमेल भी क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन को सेट करने के बाद ये फाइल एज अ ईमेल अटैच हो जाएगी और आप उसे सेंड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसे अगर एज अ पीडीएफ फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एज अ एक्सपीएस फॉर्मेट से अटैच करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप इंटरनेट फैक्स के जरिए से इस फाइल को किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिश। पब्लिश में आप इस फाइल को ब्लॉग की सूरत में, यानी जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उस सूरत में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है ब्लॉग की सूरत में आ जाएगा और आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं जो कि आपकी मेन हेडलाइन होती है किसी भी न्यूज़ की, किसी भी ब्लॉग की, और उस न्यूज़ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नीचे आ रही होती है। तो इस तरह आप ब्लॉग बना सकते हैं और उसे यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ही भी आप पब्लिश करेंगे इसे तो आपको कहेगा कि आप साइन इन हो जाए ताकि आप इसे पब्लिश कर सकें। फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। तो इस तरह आप पब्लिश में आकर ब्लॉग बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोज का। क्लोज करने से आपकी करंट जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी। एमएस वर्ड का न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस को बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।